स्ट्राइक का आत्मनिर्भर अभय गेंदबाजी में राशेल पहला गेंद और आत्मनिर्भर अभय पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन चुके हैं। मिला पहला गेंद पहला चौका गेंदबाजी में राशेल स्ट्राइक में अभय भैया अब की बार दूसरी बार सोते सोते भी चौका लगाऊंगा खड़े खड़े भी चौका लगाऊंगा जहां गेंदबाजी करेंगे वहां चौका लगाऊंगा। ये देखिए इस बार ये शॉट भैया गजब था जाइए और जाके इस शॉट का लाइव इंश्योरेंस करा दीजिए क्योंकि दोबारा ये शॉट आपको देखने मिलेगा नहीं। तीन गेंद में तीन चौका आत्मनिर्भर अभय लेकिन ईगल आई 11 इस टीम के ऊपर भी नजर रहेगा। रिंटू जैसा बड़ा नाम जी हाँ जवा इस टीम में मौजूद है रसल इस टीम में मौजूद है। ये देखिए इस बार वापसी करते हुए खचाखच भरा हुआ खूबसूरत सा मैदान बहुत सारे लोग अपने पॉकेट से मोबाइल को निकाल चुके हैं वीडियो यहां पे बनाते हुए अभय का बल्लेबाजी का यहां पे ड्राइव किया था लेकिन पीछे फील्डर पहला तीन गेंद तीन चौका लगातार दो गेंद दो बिंदी के चलिए क्या यहां पे डॉट बॉल आएगा बहुत ही शानदार गजब की गेंदबाजी पहला तीन गेंद बल्लेबाज का नाम तो आखिरी तीन गेंद गेंदबाज के नाम तो पहला ओवर 12 रन विदाउट लॉस। स्ट्राइक में प्रिंस मैक्सवेल पहला गेंद और मैक्सी का उल्टा बल्ला सीधा शॉट लाया है चौका लाया है दूसरा गेंद बिंदी गेंद आता हुआ जी हाँ पहला गेंद से चौका दूसरा गेंद डॉट बॉल एक तरफ प्रिंस दूसरी तरफ अभय गेंदबाजी में रोहित फिर एक बार बेहतरीन गेंद कसम की गेंदबाजी बड़ा मुकाबला चलता हुआ विद्या सागर का अब देख रहे हैं सुबह से हर मुकाबला जी हाँ टक्करदार रहा था तो अपने घरेलू मैदान में दुर्गापुर के सर जमीन में ये सितारा खेलता हुआ प्रिंस मैक्सवेल भैया फॉर्म इज टेम्पररी क्लास इज परमानेंट तो ये कहते हुए प्रिंस मैक्सवेल एक हाथ से खेलने का प्रयास था 100 ट्रेडमार्क शॉट जिस शॉट ने प्रिंस मैक्सवेल को फेमस बनाया था वही शॉट खेलने का प्रवास यहां पे था लेकिन गेंदबाज का तारीफ करना होगा रोहित क्या कमाल की गेंदबाजी रोहित का फिर एक बार मैक्सी का बल्ला बोलेगा प्रिंस मैक्सवेल का बल्ले से तीसरा चौका सी वा रे खा पा शॉर्ट ऑफ लेंथ का गेंद और भैया कोरोना काल में गेंद को भेजा है सीधा क्वारंटाइन जोन में सैनिटाइज करके अंदर लाइए मिला चार रन तो फिर एक बार ये देखिए यहां पे क्या कमाल का फील्डिंग है पड़ता थर्ड सर इनोवेशन कुमार रिशु स्ट्राइक में पहला गेंद और यहां पे शॉट कड़क था मिलेगा सिर्फ एक रन तो इस एक रन के साथ स्कोर में होगा बढ़ोतरी स्कोर पहुंच चुका है 29 तक तीसरा ओवर का खेल प्रगति पे स्ट्राइक में लौट के आते हुए प्रिंस मैक्सवेल प्रिंस मैक्सवेल स्ट्राइक में गेंदबाजी में यहां पर तैयार रसेल बड़ा मुकाबला प्रिंस
किस मैक्सवेल, भैया तू पहाड़ नहीं तू पत्थर है, तू किस्सा नहीं तू कहानी है, और आपका इसी अंदाज का तो पूरे पश्चिम बंगाल दीवानी है। तो मिला चार, चलिए बेहतरीन गेंदबाजी रसल का, वापसी करते हुए यहां पे रसल। क्या कमाल का फील्डिंग भैया, जोरदार ताली हो जाए एक बार सब मिलके। इस टूर्नामेंट का अभी तक का सबसे बेहतरीन फील्डिंग कह सकता हूं और वादे के साथ कह सकता हूं। रिंटू जब उड़ते हैं तो भैया इन्हें रिंटू नहीं, उड़ता हुआ रिंटू बुलाते हैं, तो उड़ता हुआ रिंटू देखने मिला था वहां पर। पहला गेंद और यहां पे रिवर्स आया है, लेकिन साथ ही साथ सिंगल यहां पे आया है। जी हां, एक रन यहां पर पहला ही गेंद, फिर से एक रन के साथ स्कोर में होगा बढ़ोतरी। स्कोर पहुंचा है 34 तक, 34 34 रन किंतु एक मोड़ दल पहुंची छे निर्धारित 6 ओवर मैच। एमकेई प्रिंस मैक्सवेल क्रिकेट टॉसे हारे शुरू থেকে কিন্তু ব্যাট করতে হচ্ছে বিপক্ষ দল বোলপুর থেকে আগত এই দল ইগল আই 11 বেশ কয়েকটা বোলপুরে তারকা খেলে। प्रिंस मैक्सवेल भैया ले जाएंगे, हम ले जाएंगे ईगल आई 11, आप देखते रह जाएंगे। तो मिला यहां पे फिर एक बार सत सनाता हुआ चार रन को प्रिंस को। एक चौका से पेट नहीं भरता है, ये लीजिए भैया आपका स्वागत है दूसरा चौका में, दो चौका। प्रिंस इज ऑन फायर होते हुए प्रिंस भैया आग लगे चाहे बस्ती में, आग लगे चाहे बस्ती में, मैक्सी तो रहते हैं हमेशा अपने मस्ती में। वन हैंडेड शॉट लग नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा क्लासी तो नहीं हो जा रहे हैं। मैक्सवेल कमाल का ये बल्लेबाज, कड़क ये बल्लेबाज और काफी ज्यादा खूबसूरत ये शॉट, इतना खूबसूरत कि आजकल माधुरी दीक्षित को छोड़िए, सोनाक्षी सिन्हा को छोड़िए, उर्वी जावेद भी शर्मा जाएंगे। तो मिला यहाँ पे चार रन। पहला गेंद धीमा गेंद, चालाक चतुर चंचल ये गेंदबाज जवा, डॉट बॉल के साथ शुरुआत करते हुए जवा। दूसरा गेंद और जोबा ने बोला है मेरा नाम प्यारा है लेकिन मैं बल्लेबाजों के साथ प्यार से बात करता नहीं हूं, मैं विकेट निकालता हूं। तो विकेट निकाला है जोबा ने। क्रीज में आते हुए अरोज द मेन फ्रॉम वर्धमान, यहां वर्धमान से आने वाला यह खिलाड़ी अरोज, पिछला साल का टूर्नामेंट था आज तक मुझे याद है और बंगाल के उन तमाम दर्शकों को याद है। भैया नालीगुल का मैदान था, मैन ऑफ द सीरीज इनका नाम रहा था, क्या कसम के बल्लेबाजी किए थे। लेकिन इस बार आपके सामने जवा है, ये आसनसोल का खिलाड़ी है और इंडस्ट्री के शहर से आते हैं, उच्च कोटि में गेंदबाजी। तो जो चौका उड़ते उड़ते जाए उसे हम छक्का कहते हैं, और शॉर्ट पिच क्रिकेट में छक्का को आप बड़े प्यार से ओ यू टी आउट कहते हैं। सही बोला ना सर? जी हाँ, आउट कहते हैं। रिवर्स का प्रयास लेकिन डॉट बॉल, पहला बैट एंड ओवर, जोरदार ताली हो जाए जवाब के लिए एक बार। पांच ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड में 50 रन, यहां से अगर लास्ट ओवर में 10 या 15 रन नहीं बनाएंगे, अगर 65 तक नहीं पहुंचेंगे। पहला गेंद बहुत ही शानदार डॉट बॉल, छठा ओवर का पहला गेंद यहां पे डॉट बॉल आया है, गेंद मास्टू भाई के हाथों से, काफी अच्छा परफॉर्मेंस ईगल आई 11 बोलपुर का ये टीम। क्या डिसीजन आएगा दोनों अंपियर सर, मैच ऑफिशियल एक डिस्कशन जारी रखते हुए, क्या
क्या डिसीजन सर? बाउंड्री आता हुआ यहाँ पे, जी हाँ, चार रन आता हुआ यहाँ पे और यहां से स्कोर पहुंचेगा 54 तक 54। फिर एक बार बेहतरीन गेंद दुबई का, पिछला गेंद चौका जरूर आया था लेकिन इस बार दुबई का गेंदबाजी देखी है, डॉट बॉल। ये शॉट कड़क है और ये भैया रॉकेट जैसा नासा से लॉन्च होने के लिए तैयार है, मिला चाहता प्रिंस मैक्सवेल, बल्ला टूटा है लेकिन हौसला यहां पे भैया, अगर बात करेंगे हौसला यहां पे नहीं टूटा है, मैक्सी का बल्ला यहां पे चौका निकाला है तो मिलेगा यहां पे चार रन प्रिंस मैक्सवेल को। स्कोर पहुंच चुका है 62 तक। आगाज कैसा भी हो फर्क नहीं पड़ता है, अंजाम अच्छा होना चाहिए। दुर्गापुर का मैदान आज फिर एक बार साक्षी रहा है प्रिंस मैक्सवेल का धाकर बल्लेबाजी का। निजी स्कोर 48 में 50 रन से 2 रन पीछे मैदान को छोड़ते हुए प्रिंस मैक्सवेल।